हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन फ्रॉम मथुरा में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। आज हम मोटी हरी मिर्च का अचार बनाएंगे और इसका अचार काफी टेस्टी लगता है। अचार कोई भी हो, थाली का जायका बढ़ाता है और इस अचार को आप स्टोर भी कर सकते हैं, एक साल के लिए ख़राब नहीं होता है। और मैंने ये हरी मिर्चें लिए हैं और इनको अच्छे से धो कर के साफ़ कर लिया है और करीब 2 घंटे के लिए मैंने इसे धूप में सुखा लिया जिससे इसका मॉइस्चर दूर हो जाए। देखिए इसके डंठल भी थोड़े काले काले हो गए हैं, ब्लैक ब्लैक। तो इस तरीके से बहुत ध्यान रखना है, कोई भी कटी हुई या कोई फटी हुई मिर्च हमको नहीं लेनी है। अचार बनाने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना लिया है और 1 बड़ा चम्मच सौंफ लिए, ये हमने मोटी वाली सौंफ ली है। 1 चम्मच राई दाना लिया है और 2 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। हमें सरसों के तेल में ही अचार बनाना है क्योंकि इसमें टेस्टी के साथ साथ लंबे समय तक चलता है। और 1 छोटी चम्मच मैंने अजवाइन और 1 छोटी चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। ये धनिया है, धनिया पाउडर, आप खड़ा धनिया भी ले सकते हैं। मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। 1.5 चम्मच करीब मैंने नमक लिया है, नमक थोड़ा हमें ज़्यादा चाहिए और टेस्ट के अनुसार आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच विनेगर लिया है और 1 पिंच हींग लिए है। विनेगर से अचार लंबे समय तक चलता है और अचार में खटास भी आ जाती है, अमचूर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हमने मसाले लिए हैं और ये 4 मसाले हैं, ये ऑप्शनल है, जो आपको पसंद ना हो आप ना लें, जो पसंद हो आप उसको ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको रोस्ट करूँगी और इसका हमें मॉइस्चर दूर करना है। आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं, हमारा उद्देश्य केवल इसका मॉइस्चर दूर करना होता है। तो चलिए हम इनको रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और गर्म होने के लिए रख दिया है और हम इन 4 मसालों को एक साथ ही रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हमें केवल 2 मिनट ही करना है, ज़्यादा नहीं करना, ना ही हमें इनका कलर चेंज करना है। इस तरीके से हम 4 मसालों को एक साथ रोस्ट कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इस तरीके से हम 4 मसालों को एक साथ रोस्ट कर लेते हैं। हमें केवल 2 मिनट ही इसको भूनना है और करीब 2 मिनट हो गए। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं इसे दरदरा पीसूँगी। अब मैंने दूसरा पैन गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें हम तेल को गर्म करेंगे और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, देखिए धुआं उठने लगा है और हमें अच्छे से धुआं उठने तक ही तेल गर्म करना है। अब मैं बंद कर देती हूँ टेम्परेचर को और इसे ठंडा होने देती हूँ। ठंडा होने के बाद हम इसमें मसाले मिलाएंगे। अब हमारे मसाले ठंडे हो गए हैं, मैं इनको दरदरा पीस लेती हूँ। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए अब इसमें हम मसालों को मिला लेते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सभी को मिला लेते हैं और नमक, सभी को मिला लेते हैं और नमक करीब मैंने 1.5 चम्मच मिलाया है और नमक थोड़ा हमें ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से सभी को मिला लेते हैं और विनेगर इसको भी मिला लेते हैं, ये करीब 1/2 चम्मच है और इससे अचार में खटास आ जाती है, एक्स्ट्रा अमचूर डालने की आवश्यकता नहीं होती है और अचार लंबे समय तक चलता है। और 1 पिंच में हींग मिला लेती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से बना हुआ अचार काफ़ी टेस्टी होता है, चटपटा होता है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक और यदि आप सफ़र में जा रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं और आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब मसाले मिक्स हो गए हैं और तेल भी ठंडा हो गया है, मैं इसमें मिला लेती हूँ और हम थोड़ा सा तेल मिलाएंगे इसमें, 2-3 चम्मच। उसके बाद एक्स्ट्रा जो तेल बचेगा हम बाद में अचार में डालेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से डाल करके मिला लेंगे, इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है, अब हम मिर्चों को भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन डंठलों को अलग कर लेते हैं, हटा देते हैं इस तरीके से, सभी डंठलों को हटा देंगे और साथ ही साथ चेक भी करते जाएंगे कोई मिर्च कटी हुई या फटी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे डंठलों को हटा लिया है।
आप इस तरीके से अचार बनाइए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए कि आपका अचार कैसा बना। और इस तरीके से हम डंठलों को हटा करके इसमें बीच में से चीरा लगा लेंगे, इस तरीके से सारी मिर्चों में लगा लेंगे इसी तरीके से। इस तरीके से हमारी मिर्च भी तैयार हो गई है और मसाला भी तैयार हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टफिंग करना। अचार को रखने के लिए मैंने एक कांच का जार लिया है और इसको अच्छे से धो करके धूप में सुखा लिया, जिससे इसका मॉइस्चर बिल्कुल दूर हो जाए। आप जहाँ तक हो कांच का जार ही लें, और अगर कांच का ना हो तो प्लास्टिक का ले सकते हैं। तो अब हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम मिर्च लेकर के इसमें अच्छे से मसाला भरेंगे और अंगूठे की सहायता से अच्छे से दबा करके हम मसाले को अच्छी तरीके से भर देंगे। और इस तरीके से मिर्च भर करके सारी और दबा दबा करके भर करके हम जार में रखते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे उन तक पहुंच सके। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी चटपटा अचार ज़रूर बनाइए। इस तरीके से मैंने सारी मिर्चों को भर लिया है और ये जो मसाला बचा है हम इसको भी ऊपर से डाल देंगे। और बचे हुए तेल को मिला करके हम ढक्कन लगा करके थोड़ा सा इसको हिला देंगे, जिससे ये अच्छे से तेल में मिक्स हो जाए। और हम एक दो घंटे की धूप 4-5 दिन लगातार दिखा देंगे, जिससे हमारा अचार खाने योग्य हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप मिर्च का अचार बनाइए, खाइए और खिलाइए। अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।